वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, राहुल वैद्य बने रुबीना दिलायक के फैन। राहुल वैद्य के लिए रुबीना दिलायक बन गई हैं स्टार, और साथ ही साथ राहुल वैद्य पूरी तरह से रुबीना दिलायक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, रुबीना दिलायक को फॉलो कर रहे हैं। आज की खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि किस तरह से राहुल वैद्य बन बैठे रुबीना दिलायक के फैन। आज के खास रिपोर्ट में यही बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं राहुल वैद्य की एंट्री हुई दोबारा से बिग बॉस सीजन 14 के घर में। एंट्री से पहले जब राहुल वैद्य थे तब उन्होंने देखा कि रुबीना दिलायक जो हैं बिग बॉस से लड़ रही हैं, रुबीना दिलायक जो हैं बिग बॉस से लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं और अपने हक के लिए वो स्टैंड ले रही हैं बिग बॉस के मेकर्स के सामने। और साथ ही साथ राहुल वैद्य जो हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर निकले थे और साथ ही साथ रुबीना दिलायक की पूरी जर्नी को उन्होंने अच्छी तरह से देखा और साथ ही साथ रुबीना दिलायक के खेल को भी देखा कि किस तरह से उनका जो खेल है वो ग्रोथ कर रहा है और साथ ही साथ अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने फैन फॉलोइंग को इकट्ठा किया है। अब राहुल वैद्य की दोबारा से वापसी हुई है, राहुल वैद्य दोबारा से घर में वापसी करके रुबीना दिलायक के नक्शे कदम पर चल गए हैं। बिग बॉस बार बार राहुल वैद्य से ये कहते हैं कि भगोड़ा और साथ ही साथ भागा हुआ सदस्य, इस तरह की बातें इनडायरेक्टली करते हैं, तो राहुल वैद्य भी स्टैंड लेते हैं और बिग बॉस से ही जाकर भिड़ते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि रुबीना दिलायक को फॉलो करके आए हैं राहुल वैद्य और राहुल वैद्य ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि रुबीना दिलायक ने बिग बॉस के स्टार्टिंग दिनों में किया था। और साथ ही साथ रुबीना दिलायक की पॉपुलैरिटी को देखते हुए राहुल वैद्य को ऐसा लगता है कि वो भी इस तरह से स्टैंड लेंगे और वो भी इसी तरह से बिग बॉस सीजन 14 के घर में ऑडियंस को इकट्ठा करेंगे, एकजुट होंगे और साथ ही साथ उनके खिलाफ भी गलत हो रहा है ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि रुबीना दिलायक ने स्टार्टिंग के दिनों में किया था और आपने देखा भी था। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।